हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तिरुपति एजुकेशन कंसल्टेंट। दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया में डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर कुछ सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपना पहला वीडियो। दोस्तों, जब भी हम इंडिया में एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल मन में यही आता है कि क्या है डिस्टेंस एजुकेशन। बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है कि जो भी लोग अपनी जॉब में एंगेज हैं या फिर घर पर रहते हैं या फिर जिनके पास समय नहीं है कि कॉलेज अटेंड कर सके, उन सभी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया था डिस्टेंस एजुकेशन को लाने का, जिससे कि वो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सके। अब दोस्तों, दूसरा सवाल मन में आता है कि क्या ये वैलिड है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से वैलिड है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जिससे भी आप करना चाहते हैं वो UGC और DEB द्वारा अप्रूव्ड है अगर तो। अब दोस्तों, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये बैन हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था जिसमें कि कुछ कोर्सेज को जो डिस्टेंस एजुकेशन से पहले होते थे उनको बैन किया गया था। एंड उन कोर्सेज में थे कि जैसे कि कोई टेक्निकल कोर्स हो, मेडिकल कोर्सेज हो, एग्रीकल्चर कोर्सेज हो, उन सभी को बैन किया गया था। रीज़न था कि इन सभी कोर्सेज में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर किसी के पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी नहीं, सिर्फ थ्योरी थ्योरी से ऊपर कर जाएगा तो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट में मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी इसके लिए बेस्ट है। दोस्तों, कोई भी यूनिवर्सिटी जो UGC और DEB, UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और DEB यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो द्वारा अगर कोई अप्रूव्ड है, और कोई आप UGC की साइट पर भी जाकर देखते हैं कि UGC.ac.in, जहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि ये ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है। अगर आप उससे कोई भी कोर्स करते हैं तो पूरी तरह से वैलिड होता है और वो आपको हर जगह पर, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह पर वो वैलिड होता है। दोस्तों, ये थे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में सब जानना चाहते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इन बेसिक क्वेश्चंस के पूरे आंसर कर सकूं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट्स मन में आते हैं सबके। मैं अगली अपनी वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं पूरी सारी की सारी ये डालूंगा कि उसमें आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं देखनी चाहिए, क्या क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल। और लास्ट में अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कुछ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई कर सकूं और उसको आपको सही जवाब दे सकूं।